HS के तमाम तुलबा व तुलबात को मेरा सलाम। बच्चों, हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में स्वागत है आपका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 में सब्जेक्ट हिस्ट्री, जो सब्जेक्ट है उसमें जो भी MCQ और SAQ आया था, उन तमाम सवालों को हल करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस होता है। हर साल कॉमन सवालात आते रहते हैं प्रीवियस ईयर से HS के एग्ज़ाम में, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में जो भी MCQ और SAQ आए थे 40 मार्क्स का, तो पहला सवाल ये है, द टर्म न्यू वर्ल्ड वाज फर्स्ट यूज बाय, ऑप्शन दिया है कोलंबस, अमरीगो वस्पी, कैप्टन कोक, मंगोलन। तो सही जवाब है अमरीगो सपोची, न्यू वर्ल्ड का इस्तेमाल किया था, यूज़ किया था। दो नंबर सवाल जो है, ब्लैक्स आर वाइट मेंस बर्डन, दिस कंसेप्ट वाज प्रोपोगेटेड बाय, रुडयार्ड किपलिंग, चार्ल्स डार्विन, मकावली, जूलियस फ्यूरी। तो जवाब होगा रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन ए होगा। तीन नंबर सवाल जो है, द ट्रीटी ऑफ टिनसिन वाज साइन इन, ये मुआहदा कब हुआ था, 1957, 58, 1860 और 1859। तो जवाब होगा 1858 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल, आत्मिया सभा वाज इस्टेब्लिश इन, आत्मिया सभा की बुनियाद रखी गई थी 1815, 16 में, 18 में या 1817 में। तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मिया सभा की बुनियाद रखी गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी। किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। पांच नंबर जो सवाल है, फॉल्टन स्पीच वाज डिलीवर बाय, जॉर्ज केनन, मार्शल फेनॉन या चर्चिल। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, वेस्टर्न चर्चिल पूरा नाम होगा। छह नंबर सवाल, द बुक द इंडियन मुसलमान्स वाज रिटन बाय, इंडियन मुसलमान एक बुक है उसके लिखत कौन है, सर सैयद अहमद खां, चैडनबैक, विलियम हंटर, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, विलियम हंटर ने इस बुक की रिटर्न की थी। सेवन नंबर सवाल है, 7 दिसंबर ऑफ विच ईयर डिड जापान इन्वेड पर्ल हार्बर, ऑप्शन 1941, 1942, 1943, 1944। तो 1941 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए होगा। जापान इन्वेंट पर्ल हार्बर पर अटैक किया गया था 1941 ईस्वी में। आठ नंबर सवाल है, कोलम ए कोलम बी को मैच करना है, हुची मी जो था वियतनाम का था, और चाओ इलाई चाइना के था, सुकार्नो जो था इंडोनेशिया का था, और जनरल ट्यूजो था जापान का था। तो ऑप्शन ये डी होगा, मैच करके देख लीजिए। अगला सवाल, एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड, मेंबर, कमिश्नर, मेयर या काउंसिलर। जवाब होगा काउंसिलर, ऑप्शन डी होगा। दस नंबर सवाल, द मेन लीडर ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वार वाज शेख मजुम रहमान, साहिदुल्ला, जियाउल हक, सोहरावर्दी। तो जवाब होगा शेख मुजीबुर रहमान। बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ यम किपुम फाइट, किनके दरमियान में ये जंग हुई थी, बैटल ऑफ यम किपुर फाइट, सीरिया, इजिप्ट, अरब इजराइल, अरब सीरिया, अरब एंड अमेरिका। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, अरब और इजराइल के दरमियान हुई थी।
बहरहाल हमारे सवाल, हु वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन विश्वनाथन प्रताप सिंह, चरण सिंह या चंद्रशेखर या मोरा देसाई। तो ऑप्शन सी होगा, मोरा देसाई इज द राइट आंसर। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, लोवर्स म्यूजियम इज सेचुरेटेड इन, ये म्यूजियम कहाँ पर है? फ्रांस में है, जर्मनी, इंग्लैंड, हॉलैंड। तो जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्रांस में लेवर म्यूजियम है। अगला सवाल, द ऑथर ऑफ राज तिरंगिनी वाज, बिलहाना, कलहाना, बानाभट्टा, कालिदास। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, कलहाना का लिखा हुआ राज तिरंगिनी किताब है, ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी के बारे में लिखी गई थी। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल है, द रायत्री सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस, पंजाब, साउथ इंडिया, बिहार, बंगाल। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, साउथ इंडिया। अगला जो सवाल है, कॉलम ए कॉलम बी को मैच करना है। फरक्शेर का फरमान 1717 में जारी हुआ था, ऑप्शन बी में मिलेगा। पीट इंडिया एक्ट 1784 में पीट इंडिया एक्ट हुआ, तो ये ऑप्शन डी में जाके मिलेगा। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ था, इसमें जाके मिलेगा। और कंपनी एक्वाजिशन ऑफ दीवानी, ये होगा ऑप्शन सी में। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी। सत्रह नंबर जो सवाल है, 17, द एडिटर ऑफ द तत्ताबोंदनी पत्रिका, तत्ताबोंदनी पत्रिका के एडिटर कौन है? राजा राम मोहन राय, विद्या सागर, आकाश कुमार दत्ता, भूदेव मुखोपाध्याय। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, आकाश कुमार दत्ता। नेक्स्ट सवाल जो है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मे फोर्थ मूवमेंट इन चाइना, द स्लोगन ज्यू गो स्टैंड फॉर, गो बैक फॉरनर, सेव द कंट्री, वी इन इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म, चाइना फॉर द चाइनीज ओनली। इसका जवाब होगा, ऑप्शन बी जवाब होगा इसका, ऑप्शन बी, सेव द कंट्री। 19 नंबर जो सवाल है, द फेमाइन आस्क्योर इन द बंगाल वाइल द वर्ल्ड वार टू वाज इन प्रोग्रेस इन द एयर, 1940, 1942, 1943, 1944। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 1943 ईस्वी को हुआ था। 20 नंबर जो सवाल है, विच फीमेल फ्रीडम फाइटर इज नोन एज गांधी बुढ़ी, सरोजनी नायडू, मोंटेगनी हाजरा, एनी बेसेंट, कल्पना दत्ता। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, मोंटेगनी हाजरा। 21 नंबर जो सवाल है, इन विच ईयर वाज द मार्शल प्लान अलाउंस, मार्शल प्लान किस साल में अनाउंस किया गया था? 1944, 1945, 1947, 1948। तो जवाब होगा ऑप्शन सी, 1947 ईस्वी में। 21 नंबर द वर्ल्ड डिकोलाइजेशन वाज फर्स्ट यूज बाय वाल्टर लिपमैन, मॉरिस डी मॉरिस, क्रिस्टोफर हिल, मोर्टिस जूलियस बोन। तो जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इन द बैटल ऑफ देन बेन फू द विक्टर वाज वियतनाम, फ्रांस, इंडोनेशिया या ब्रिटेन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन वियतनाम। 21 नंबर पैट्रिक लिमिम्बा वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे पैट्रिक लिमिम्बा? घना, कोंगो, जमैका, माल्टा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, कोंगो। एसीक्यू में जो सवाल आए थे उन तमाम सवालों को देखेंगे अब। तो पहला सवाल जो था, 1 नंबर, वेन वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ बांग्लादेश इमर्ज, 1971 ईस्वी में। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो शेयर कर दीजिए,
सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। दो नंबर सवाल जो है, व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट, पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट क्या है? इसका जवाब होगा दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका वजीर खारजा जारिज कनान ने अमेरिका में फरका वरायत को फैलने से रोकने के लिए जो पॉलिसी अपनाई थी उसको पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट कहते हैं। तीन नंबर सवाल, इन विच शिप डिड द स्लोगन रिवोल्ट बिगिन, तलवार नामी जहाज था। दो नंबर सवाल, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव स्लोगन एशिया फॉर एशियन, एशियाई मुल्कों में अमन व इतिहाद कायम करना और यूरोपीय नौ आबादियाती ताकतों से मिलकर सामना करना इसका ऑब्जेक्टिव था और जापान ने इसका नारा लगाया था एशिया फॉर एशियन। पांच नंबर सवाल, बिटवीन हुम वाज द लखनऊ पैक्ट साइन, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान में 1916 ईस्वी में लखनऊ पैक्ट हुई थी। छह नंबर सवाल, हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक सभा, 1873 ईस्वी में हुई थी, ज्योतिबा फूले होगा। सात नंबर सवाल, व्हाट वाज द वुड डिस्पेच क्या था, बुनियादी और औरतों की तालीम से मुतालिक रियासती सिक्योरिटी चार्ल्स वुड ने जो रिपोर्ट 1854 ईस्वी में पेश किया था तालीम के मुतालिक उसको वुड डिस्पेच कहते हैं। इन्हीं की कोशिश से 1857 ईस्वी में तीन यूनिवर्सिटियां बनाई गई थी, कलकत्ता मदरसा और मुंबई यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। आठ नंबर जो सवाल है, बिटवीन विच टू प्लेसेस वेयर द रेलवे फर्स्ट एस्टेब्लिश इन इंडिया, मुंबई से थाना के दरमियान 1853 ईस्वी में। नौ नंबर जो सवाल था, व्हाट इज द फिनांस कैपिटल, मालियाती सरमाया से मुराद वह बड़ा सरमाया है जिसकी मदद से कोई सनती घराना या सरमायादारी बड़ी सल्तनत कायम करता है उसको हम फिनांस कैपिटल कहते हैं। दस नंबर सवाल, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी लिखी हुई बुक है, एडम स्मिथ। विच अमेरिकन जनरल फर्स्ट अराइव इन द जापान, मैथ्यू प्यूरी 1853 में आया था। बारह नंबर सवाल, हु वाज होमी जहांगीर बाबा कौन था, होमी जहांगीर बाबा एक माहिर तबीयात और साइंसदान था थे, इनको न्यूक्लियर फिजिक्स का बाप कहा जाता है। उन्होंने ही ट्रांबे में बाबा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर 1948 ईस्वी को कायम किया था। तेरह नंबर सवाल, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंस अल्जीरिया का पहला प्रेसिडेंट अहमद बिन बिल्ला था। चौदह नंबर सवाल, हु वाज बेलगिन कौन था, श्वेत रूस के सदर थे। हु वाज यसीर अराफात कौन था, सोलह नंबर जो सवाल है, यसीर अराफात जो है PLO का चेयरमैन और फिलिस्तीन का सियासी रहनुमा था। सोलह नंबर सवाल, वेन वाज द लिंग लिंग ट्यू प्रपोजल डिक्लियर, 18 अगस्त 1940 ईस्वी को डिक्लियर किया गया था ये प्रपोजल्स। सत्रह नंबर सवाल है, हु वाज शिमला डिक्रीशन अक्टूबर 1906 ईस्वी में आगाज खां की रहनुमाई में अपने लिए अलग इंतखाबी हैसियत और हकूक की हिफाजत के मुतालबा के साथ मुसलमानों का जो वो फिदाए वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिलाया उसे हम शिमला वफद कहते हैं, शिमला डिपोटेशन कहते हैं। अठारह नंबर सवाल,
हु वॉज द एनिटेटर ऑफ विंडो रीमैरिज मूवमेंट? ईश्वरचंद विद्यासागर थे। 19 नंबर सवाल, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के बुनियाद डाली थी 1875 ईस्वी में। बीस नंबर जो सवाल है, बिटवीन हुम वाज द बॉक्सर प्रोटोकॉल साइन? किनके दरमियान में बॉक्सर प्रोटोकॉल साइन हुआ था? 1901 ईस्वी में चीन और यूरोपीय ताकतवर के दरमियान में हुई थी। 21 नंबर सवाल, हु डिक्लेयर द ओपन डोर पॉलिसी इन द चाइना? जॉन हे ने, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने किया था। 22 नंबर सवाल, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ क्वाटो? चीनी दरबार का वह दस्तूर जिसमें गैर मुल्की सफीर बादशाह की शान में 3 बार सर जो है टिकते थे उनके सामने, उसी को कहते हैं। अगला सवाल, हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डेकिन ऑफ लेप्स? लॉर्ड डलहौजी ने, डेकिन ऑफ लेप्स मसलेकुल अलहाक का पॉलिसी है उन्होंने जारी किया था लॉर्ड डलहौजी ने।